Big blow to the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's rainbow coalition ahead of the UP polls. Bhim Army chief Chandrashekhar Azad has ruled out possibilities of any alliance with the SP. While addressing the media, he said that the Samajwadi Party chief does not want Dalits in the alliance. He said that SP just wants the Dalit vote bank. Azad also accused Akhilesh of humiliating people of the Bahujan Samaj. Chandrashekhar Azad alleged that Akhilesh Yadav could not understand social justice and kept silent on matters related to Dalits. Chandrashekhar Azad said he unified the Bahujan Samaj and kept meeting Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav for 6 months. Azad said he was in Lucknow for 2 days to meet Akhilesh Yadav. Meanwhile, Akhilesh Yadav hit back at the Dalit leader and claimed that Azad was not happy with the seat-sharing deal. He said that he had offered 2 seats to the Bhim Army chief, after which he refused to be part of the alliance. Akhilesh also mentioned that Azad spoke to someone over a phone call before rejecting the deal. 6 months पहले से हमने भी ये प्रयास किया था कि बहुजन समाज 85% बहुजन समाज इकट्ठा हो, जिसके लिए हमने अखिलेश जी पे भरोसा किया कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है, वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। तो हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पर बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो। निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये दुखद है। जो आपने पिछले घोषणा पत्र करते आपने तो उनको पूरा नहीं किया, इसलिए मैं उनसे चाहता था कि वो स्टेट अपना जो है ना वो फाइनलाइज करें, मजबूती से रखें, लेकिन वो नहीं चाहते हमारे मुद्दों बात करने। तो कहने से नहीं चलेगा, तो हमने तय किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे। मैं सरकार में इसलिए नहीं शामिल होना चाहता कि कल, अभी तो सरकार बनी भी नहीं है कि मैं अपने लोगों की हत्याओं पर, तमाम तरह की समस्याओं पर चुप हो जाऊं, मैं नौजवानों के बेरोजगारी के मामले चुप हो जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। सवाल आपसे ये, अपने दम पे लड़ेंगे और प्रयास करेंगे जो अभी बिखरा विपक्ष है उसको एकजुट करें, अगर वो नहीं होगा तो अपने दम पे लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फ़ोन मिलाया, अब वो फ़ोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ़ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फ़ोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन।